हर तरफ हर जगह एक ही चर्चा है कि अब जब भी शूटिंग रुकेंगी तो आखिर क्या होगा टीवी वर्ल्ड का और क्या होगा शोज देखने वाले ऑडियंस का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हर तरफ नए वायरस की चर्चा हो रही है जिसके चलते फिर से लॉकडाउन लगने की खबर भी काफ़ी तेज़ी से सामने आ रही है। सामने आई है एक एक्सक्लूसिव अपडेट कि टीवी सीरियल्स की शूटिंग शायद एक बार फिर से बंद होने की कगार पर है और कोविड के चलते शूटिंग को एक बार फिर से बायो बल्ब के ज़रिए ही शूट किया जाएगा और जब तक कि गवर्नमेंट का कोई नया फैसला नहीं आ जाता तब तक कि इस फैसले पर अमल किया जाएगा। यानी कि शूटिंग्स पर चल रही है अभी कोरोना की मार, क्योंकि अब तक तो सब कुछ संभला ही नहीं था। अब तक तो कुछ शोज़ के हाई टीआरपी होने के बावजूद भी उन शो के क्लाइमेक्स तक कहानी नहीं पहुंची थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शोज़ की शूटिंग पर लग सकती है रोक और इसकी वजह से सभी शोज़ का पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट। फिर चाहे वो राधा कृष्ण हो, ये है चाहते, गुमे किसी के प्यार में, या फिर किसी और सीरियल की, या आने वाले एकता कपूर के नागिन 6 के नए सीज़न की खबर, सब पर कोरोना के बंद होने के चलते शूटिंग की ये मार पड़ने वाली है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से आप सबको अपने फेवरेट सीरियल्स को देखने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बहरहाल, जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ रही है तब तक तो आप सब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि अगर कोरोना के चलते सिचुएशन वर्स्ट होती भी है तो एटलीस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर इस बात का असर ना दिखे। बहरहाल, आपका क्या ख्याल है, क्या कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शोज़ की शूटिंग को रद्द कर देना चाहिए या फिर इन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चलते या फिर कहीं एक अलग पैटर्न के चलते शूट करने की परमिशन दे देनी चाहिए? अपनी अपनी राय कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।